रनिंग टाइम के एनालिसिस की थोड़ी और बात करते हैं। पहले हमने देखा था कि किस तरीके से हमने ऑर्डर ऑफ एन और बिग ओ नोटेशन, थीटा नोटेशन, ओमेगा नोटेशन आपको इंट्रोड्यूस करवाया। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन एक बार अगर आप समझ ले तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आज मैं इसकी तह पे जाने वाला हूं। बात यह है कि अपर बाउंड तो देख लिया हमने क्या होता है, लोअर बाउंड देख लिया हमने, मिडिल बाउंड देख लिया, लेकिन अब ये निकालते कैसे हैं, हम ये बाउंड्स को निकालते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एलिमेंट्री स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट, मान लीजिए प्रिंट का स्टेटमेंट है, लाइक ए आई प्लस प्लस है, या फिर इफ आई इक्वल टू जीरो रिटर्न माइनस वन। कितना सिंपल है ये, केवल एक बार का, अगर एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो रिटर्न माइनस वन कर देगा या रिटर्न कर देगा एक्स स्क्वायर। तो ये स्पेसिफिक आपके पास एक लाइन का इक्वेशन है जो एक बार चलेगा बस। तो इसको हम एक बार चलने वाले को हम ऑर्डर ऑफ वन कहते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ स्टेप्स है इसके, कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ स्टेप है, आपको पता है कितने स्टेप है। आपको ये पता नहीं कि ये जैसे एन है, अब मान लीजिए आप अपने क्लास की बात कर रहे हैं तो एन कितने होंगे, मान लीजिए 30। कॉलेज की बात कर रहे हैं, हो जाएगा आपका 3000 से 3000, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज। आगे बढ़ाइए, आप पूरे शहर का ले लीजिए, 3 लाख भी हो सकता है, और आप पूरे स्टेट कर लीजिए 3 करोड़। ऐसे करते करते जैसे ये नंबर्स बढ़ेंगे ना, ये नंबर इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये नंबर्स बढ़ेंगे, मान लीजिए आप उनकी बात लोगों के बारे में बात करें, जैसे लोग बढ़ेंगे, अगर कोई अगर उस पर एल्गोरिथम लगाना चाहते हैं, ये लोगों के लिए तो है, अब देखिए गूगल है या फेसबुक है या कोई भी ट्विटर है, इसमें लोग ही तो बढ़ रहे हैं, लोगों की ट्वीट्स बढ़ रहे हैं, लोगों के पोस्ट बढ़ रहे हैं। इनको अगर हमें हैंडल करना है, एल्गोरिथम वगैरह हम देख रहे हैं, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि ये जो नंबर ग्रो कर रहे हैं तब क्या होगा। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर ऑफ वन मतलब एक बार जब चलेगा उसमें ऑर्डर ऑफ है, मतलब एक बार स्टेप चलेगा, लेकिन जब एन इनपुट बढ़ेगी ना तब क्या होगा। मान लीजिए आपने क्या किया कि रनिंग टाइम किसी एक फंक्शन का, आपके पास एक फंक्शन है उसके साथ दूसरा फंक्शन है, आपने T1 एक का बोल दिया कि इसका रनिंग टाइम T1n है, दूसरे का T2n है, या फिर आपके पास कोड ब्लॉक्स है, अलग अलग कोड ब्लॉक्स है, उनके अलग अलग आपने निकाल लिए T1n T2n, और हमने किया क्या कि अगर हमें फाइनली इनका रनिंग टाइम निकालना है तो बेसिक जो फंडामेंटल रहेगा वो हमारा रहेगा, हम इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, समेशन कर देंगे, और इसको हम जनरलाइज कर देंगे लूपिंग में भी, क्योंकि असली जो मुद्दा आता है वो लूपिंग में आता है, जो लूप चल रहे हैं वहां पर रनिंग टाइम की असली बात आती है, क्योंकि जब एन ग्रो करता है तो वो लूपिंग जब चलने लगती है तब आपका एल्गोरिथम स्लो या फास्ट होता है, एफिशिएंट होता है। अब जैसे आपका लूप चल रहा है, मान लीजिए वो 0 से लेकर n-1 तक चलता है, 0 से लेकर n-1 तक चलता है, यानी कि आपके अलग अलग n सेपरेट कोड ब्लॉक्स बनेंगे, एक बार जब वो चलेगा तो एक लूप होगा, दूसरी बार चलेगा तो दूसरा लूप चलेगा, n बार जाएंगे तो n लूप चल जाएगा, n बार लूप वो चलेगा। तो यानी कि आपने अगर tn करना है, जैसे मैंने आपको बताया 2 कोड ब्लॉक है तो t1 प्लस t2 कर दिया, यहां पर आपको सबको जोड़ना पड़ेगा स्टार्टिंग से एंड तक जितने बार वो चलेगा, यानी कि जो एक अनदर वेरिएबल वी हैव एडेड या आई वी हैव जस्ट एडेड, हमने एक आई को ऐड किया, इसका मतलब ये है कि जो टाइम लगेगा ब्लॉक को रन करने के लिए किसी स्पेसिफिक आई के लिए विल ऑफन डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ आई, यानी कि हम आई के बारे में बात कर रहे हैं, उस आई कितने कब तक चलेगा, इसका मैं एग्जाम्पल भी आपको बहुत अच्छे से लूंगा। अब रिकर्सिव फंक्शन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, रिकर्सिव फंक्शन देखिए, एक तो रिकर्सिव फंक्शन जब भी होता है उसमें अपने कुछ काम होते हैं, इंटरनल कुछ काम होते हैं, जिसे हम इंटरनल कंप्यूटेशन कहते हैं। इस इंटरनल कंप्यूटेशन को हम बोल देते हैं कि चलिए ये कुछ एफ एन टाइम लेते हैं, इंटरनल कंप्यूटेशन एफ एन टाइम लेता है। इसके अलावा अगर आपका रिकर्सिव फंक्शन है तो वो एक बार कॉल होगा, दो बार कॉल होगा, कितने बार कॉल हो सकता है, वो के टाइम्स कॉल हो सकता है। तो टोटल टाइम अगर हम इसको जोड़ेंगे तो एफ एन तो इंटरनल हो गया, जो इंटरनल काम हो रहे हैं, प्लस टी एन वन से लेकर एन के तक, यानी कि जितने बार वो रिकर्शन होगा, रिकर्सिव कॉल होंगे, वो आपने सारे जोड़ दिए। तो ये तरीका होता है इसे, इसको हम रिकरेंस रिलेशनशिप कहते हैं, रिकरेंस रिलेशन होता है। असली मुद्दा, असली काम, असला आपका जो जहां पर लॉजिक लगाना है आपको, वो इसमें रिकरेंस रिलेशनशिप में लगाना है कि कैसे आप रिलेशन बनाएंगे। अगर आपने एक बार ये बना दिया, अगर रिकरेंस रिलेशनशिप आपने बना दिया, उसको सॉल्व करना तो चुटकी भर का काम है। अब आपको मैं आगे चल के बताऊंगा, ये बहुत आसान हो जाता है। तो क्यों ना हम एक्चुअल प्रॉब्लम को देखें कि कैसे हम अपर बाउंड कंप्यूट करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एक चीज बताऊं। आपको याद है 1 + 2 + 3 ऐसे करते रहेंगे एन तक, तो क्या समीकरण होता है, होता है देखिए आई है ना 1 से लेकर एन तक, यानी कि 1 + 2 + 3 तो बात हो रही है, 1 से लेकर एन तक जा रहे हैं हम,
तो इसका समेशन क्या होता है आपको याद है, एन एन प्लस वन बाय टू ये होता है, और एन प्लस एन एन प्लस वन बाय टू क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एन स्क्वायर हो जाएगा प्लस एन बाय टू। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये एन स्क्वायर है तो एन उसके सामने कुछ भी नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए, टू तो इसके सामने बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्स्टेंट वैल्यू को तो आपको भूल ही जाना है, ये भी छोड़ दीजिए। तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ये देखिए थीटा ऑफ एन स्क्वायर, ये अर्थमेटिक सीरीज है आपकी, इसको आपको जानना जरूरी है। अब इससे जनरल एक बात देखें कि आई की पावर वन है तो एन स्क्वायर हो गया, आई की पावर टू होगा तो हम क्या बोलेंगे एन की पावर क्यूब हो गया। ऐसे जनरल अगर आप कर लें तो अगर आपका जो भी इधर लेफ्ट हैंड साइड में समेशन हो रहा है अगर ऑर्डर निकालना है तो जनरल एज ए जनरल रूल आप इसको बिहेवियर कह सकते हैं, एन टू द पावर पी प्लस वन, आई की पावर पी है तो एन की पावर पी प्लस वन इसका ऑर्डर होगा। अगर कोई कांस्टेंट के ऊपर सी की पावर आई जा रहा है, कोई भी कांस्टेंट जैसे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 ऐसे करके जा रहा है, देखिए यहाँ पर तो आपका थीटा ऑफ सी टू द पावर है, जो भी कांस्टेंट है उसकी पावर है, ये आपका ज्योमेट्रिक सीरीज हम कहते हैं इसको। अगर 1 बाय आई है, 1 बाय आई प्लस 1 बाय आई स्क्वायर प्लस 1 बाय आई टू द पावर एन तक जाएगा, ऐसे आई की पावर 1 की पावर आई प्लस एन जाएगा, तो अगर इसका आपको समोशन याद होता है तो उसमें लॉग इन आता है, तो ये आपका ऑर्डर ऑफ लॉग इन हो जाएगा, ये हार्मोनिक सीरीज है। आगे देखिएगा बहुत सारे लॉग इन एन लॉग इन आने वाले हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, अगर नहीं आपको याद है तो इसको जाइए फिर से रिविजिट करिए क्योंकि बहुत जरूरी है। आगे जितने भी आपके एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी और एफिशिएंसी आएगी वो लॉग इन एन लॉग इन इसी तरीके से आने वाली है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका एक लूप है फॉर का लूप, एक और उसके अंदर एक दूसरा लूप है, और यहाँ पर आपने क्या किया ए आई जी इक्वल टू आई एन टू जी, एक आपने लूपिंग देखे आप पर क्या रहा है पहला लूप। अब इसको मैं एक एक करके स्टेप बताता हूं, नीचे से चलते हैं यहां से शुरू करते हैं, इसमें कितना समय लगेगा क्लियर आपको दिख रहा है कि एक बार चलता है, अगर आप फॉर एक बार चलाएंगे फॉर जे इक्वल टू जीरो तो एक बार चलेगा, जे इक्वल टू वन हो जाएगा तो एक बार चलेगा, तो एक ही बार चलेगा ना, तो ऑर्डर ऑफ वन हो गया थीटा ऑफ वन, ये तो बिल्कुल ठीक होगी। कितने बार चलेगा ये फॉर, कितने बार चल रहा है एन टाइम्स चल रहा है ना, एन टाइम्स चल रहा है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। ये ऑर्डर ऑफ वन है तो इसको हमने थीटा वन लिख दिया, ये आपका थीटा वन हो गया। अब ये फॉर कितने बार चलेगा, ये जीरो से एन तक, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ऑर्डर ऑफ वन अंदर लिख दिया और फॉर का लूप चल रहा है जीरो से लेकर एन माइनस, तो अल्टीमेटली हम जीरो से एन माइनस वन तक में क्या कर रहे हैं, जीरो से एन माइनस वन या जीरो से जो भी n है वहां पर हम थीटा n बार कर रहे हैं। तो देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n बार कर दीजिए कितना होता है, n ही तो होता है, तो ये सिग्मा 0 टू n माइनस 1 n थीटा 1 हर बार एक जोड़ते रहिए 1 प्लस 1 प्लस 1, तो अल्टीमेटली ये ऑर्डर ऑफ n होगा जो हम यहां आगे निकालेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए यहां पर जो अंदर जो ये वाला समेशन है वो आपका n और कितने बार है एन चल रहा है, एन तो फॉर लूप एन बार चल रहा है, और अंदर हमने ऑर्डर वन ऑर्डर ऑफ वन माना ही माना है क्योंकि एक ही बार रन होता है, ऑर्डर ऑफ वन टाइम लेता है बेसिकली, तो एन ऑर्डर ऑफ एन हो गया, ये थीटा ऑफ एन हो गया। लेकिन इसके ऊपर भी एक लूप है, इसके ऊपर भी एक लूप है, तो ये जो आपने अंदर का अभी कंप्यूट किया अंदर वाले लूप के लिए, इसके ऊपर और लग जाएगा एक बार और, ये आई इक्वल टू जीरो टू एन, एक बार और लगाइए इसको जीरो टू एन माइनस वन, तो दो बार लग गया ये, तो एक तो अंदर तो आपने कंप्यूट कर लिया ऑर्डर ऑफ एन, बाहर भी एक है तो ऑर्डर ऑफ एन कितने बार, ऑर्डर ऑफ एन अगेन एन बार चलेगा क्योंकि बाहर वाला लूप भी इसको एन बार चलाएगा, अंदर वाले लूप फॉर तो इसको ऑर्डर ऑफ एन तो ले लिया, थीटा ऑफ एन तो ले लिया आपने, और बाहर का भी लूप एन बार चलाएगा तो एन इंटू थीटा यानी कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। यह आपका आपकी बात हो गई, ये हर बार आपको ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लेगा, तो ये देखिए कितना अच्छा तरीका है आपका कंप्यूट करने का। अब देखिए इसमें एक और बात है कि ऐसा मत मान लीजिए, आप ये मत मान लीजिए कि हर बार ये दो लूप देखेंगे तो आप बोलेंगे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। मैं इसको बताता हूं क्योंकि मैं ये जो निकालने वाला हूं ना इसको ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर निकालूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक चीज बताता हूं, क्या कि हमारे पास ये फॉर का लूप है, ये फॉर का लूप है, हमने सेम चीज को ये सेम जो है कोड इसमें क्या किया, एक इफ लगा दिया और जे जो है जीरो से लेकर आई तक जा रहा है, यानी कि अब जे आई पे डिपेंड कर रहा है, यहां पर जे आई पे डिपेंड, ना आई जे पे डिपेंडेंट था ना जे आई पे डिपेंडेंट था, जे अपना जीरो से एन चल रहा है, आई अपना जीरो से एन चल रहा है, लेकिन यहां पर क्या है,
यहाँ पर बात यह है कि आपका हमने जे को आई पे डिपेंडेंट कर दिया और यहां पर ई फॉर लगा दिया। अब कैसे फेरबदल होगा उसको ध्यान से देखिएगा। तो ये जो चेंजेस किए उस हिसाब से हमने देखा यहां पर हमने क्या किया था, एक एक करके समझते हैं। इनर मोस्ट इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ये तो हमने अभी अभी देख लिया कि ये इसके लिए हमने बहुत डिस्कशन कर लिया था, ये ऑर्डर ऑफ वन या एक बार चलेगा केवल, या तो ठीक है। और ऊपर क्या है, ऊपर ये जीरो से एन माइनस वन की जगह जीरो से आई माइनस वन चल रहा है, जीरो से आई माइनस वन तक चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये कितना चलेगा आई माइनस वन तक, आई माइनस वन तक थीटा वन कर दिया। अभी हम जीरो टू एन माइनस वन नहीं कर, लेकिन अल्टीमेटली जीरो टू एन माइनस वन किया था तो ऑर्डर ऑफ एन था, जीरो टू आई माइनस वन करेंगे तो ऑर्डर ऑफ आई होगा, ठीक। लेकिन मैं इसको अभी थोड़ा सा छोड़ रहा हूं, पहले आगे देख ले आगे क्या हो रहा है। यहाँ इफ है, इफ कितने बार चलेगा आप देखिए, इफ कई बार चलेगा कई बार नहीं चलेगा। आई आई से आई और ये जीरो, जब इसके जो रो और कॉलम आई और जीरो हो जाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, अगर ये जीरो होगा तब ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक। इसका मतलब ये है कि हम कभी ये फॉर का लूप, ये वाली चीज कभी चलेगी कभी नहीं चलेगी, लेकिन हम अपने को कन्विंस कर लेते हैं कि ये चलने दीजिए, इसको पूरा चलने दीजिए। लेट अस अज्यूम कि वर्स्ट केस जाना है ना हमें, तो माने हमने मान लिया कि इसको चलने दीजिए, तो यहां पर लोअर बाउंड निकाल रहे हैं, वर्स्ट केस हम इसको मान लेते हैं। यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि ऑर्डर ऑफ वन जे टू आई माइनस वन, और हम उसको आगे हम पूरा एन माइनस वन तक लेके जाएंगे, क्योंकि देखिए यहां पर आई इक्वल टू जीरो एन माइनस वन, क्योंकि ये जो है ये तो एन माइनस वन तक चल रहा है, ओके, ये एन माइनस वन तक चल रहा है। अब इसको इवेल्युएट करते हैं, यहां तक तो ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। यहां पर एक ऑर्डर ऑफ अंदर का, ये बाहर का और उससे बाहर का है, और हम ये मान के चलते कि जो फॉर है इफ है वो हर बार चलेगा। हम अगर इफ को हम कम बार मारते तो हमें इसको कम करना पड़ता थोड़ा सा, लेकिन हम नहीं कर रहे। अब इसको कंप्यूट करते हैं, ऑर्डर ऑफ वन क्या होता है, वन प्लस वन कितने बार, पिछले बार एन बार देखा था, इस बार आई टाइम चल रहा है तो आई हो जाएगा, लेकिन हम वर्स्ट केस मानते हैं। चलिए वर्स्ट केस, चलिए एन चलने दीजिए, कोई बात नहीं एन चलने दीजिए। और बाहर का क्या है, आई आई के बाहर क्या है, एक बार और जीरो टू एन माइनस वन चल रहा है, ये क्या हो जाएगा n टाइम्स n इंटू आई, और हमने i को बोली दिया वर्स्ट केस में i n मान लीजिए तो n स्क्वायर। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये थीटा ऑफ n स्क्वायर हो गया, जबकि ये i तक चला, लेकिन हमने इसको ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर प्रूव कर दिया। अब आपके दिमाग में जरूर आएगा कि अरे जब दो बार लूप चलते हैं तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर बन जाता है, ये भी दो बार चला, ये भी दो बार चला, इन्होंने इफ भी डाला था, आई तक भी लिया तो भी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो गया। लेकिन ये बात सही नहीं है, बहुत हद तक सही है, लेकिन ये हर बार सही नहीं है। मैं यहां पर आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल देखिएगा। आपका ये एक बाहर का लूप है, ये आपका वन से लेकर एन तक चला, लेकिन हर बार ये दो का जंप लेता है, और अंदर का लूप तो वैसे ही चल रहा है, लेकिन ये आई पे डिपेंडेंट है, और नीचे की लाइन तो खैर सिंपल एक असाइनमेंट है, तो अंदर की लाइन तो जीरो टू वन, ये वाला तो ऑर्डर ऑफ वन हो जाएगा, तो बाहर का क्या होगा, जीरो से लेकर आई, मतलब ये वाला लूप जीरो से आई तक चलेगा, क्योंकि ये देखिए जे आई तक ही जा रहा है, आई तक चलेगा, ऑर्डर ऑफ आई हो गया, थीटा ऑफ आई हो गया, ठीक। अब ऊपर आते हैं, यहां पर इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है, यहां पर आई प्लस प्लस जा रहा है हर बार, मतलब आई प्लस प्लस की जगह आई इक्वल टू आई इनटू 2 जा रहा है, यानी कि ये क्या होगा, पावर ऑफ 2 में चल रहा है। हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ 1, मतलब थीटा ऑफ 1, थीटा ऑफ 2, थीटा ऑफ 4, थीटा ऑफ 8, थीटा ऑफ n तक, क्योंकि 1 से लेकर n तक ये दो दो के जंप में पहुंच रहा है, ठीक है, ये तो आप समझ गए। लेकिन अब सम में, ये जो सम हो रहे हैं इसमें कितने टर्म्स आ रहे हैं, कैसे लेंगे हम इस टर्म को, यहां पर क्या है, देखिए आई को जीरो, आई को वन रखेंगे तो टू आएगा, फिर टू स्क्वायर आएगा, फिर टू क्यूब आएगा, देखिए टू जीरो टू वन टू क्यूब कहां तक जाएगा, टू की पावर लॉग एन, क्यों, क्योंकि वी डबल आई इस टर्म, हर बार आई को डबल कर रहे हैं तो कितने टर्म्स होंगे इसमें, लॉग एन टर्म्स, जब हम डबल कर रहे हैं हर बार तो लॉग एन टर्म्स होंगे, इसलिए हम जीरो से लेकर कहां तक चल रहे हैं इसको लॉग एन टर्म्स समझा रहे हैं। और अगली बार क्या होगा कि ये इसको हम मानेंगे थीटा टू की पावर के, क्योंकि यहां पर समीशन ही ऐसा हो रहा है, लॉग एन जो है ये अंदर का सम तो ये हो गया, बाहर कितने बार चल रहा है, जीरो से के से लेकर जीरो से लेकर लॉग एन नंबर ऑफ टर्म टाइम्स ये लॉग एन चल रहा है। अब इसको जब हम कंप्यूट करेंगे यहां पर तो ये आएगा
ऑर्डर ऑफ या थीटा ऑफ टू टू द पावर लॉग एन, विच इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ एन। तो देखिए इसको करते यहाँ टू का जंप मिला इसको, तो ये बहुत कम टाइम में अपने आप को कंप्लीट कर लेगा, इसलिए ये स्क्वायर एन स्क्वायर की जगह ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। तो अगर आप दो लेते हैं तो इसका मतलब ये समझ समझिएगा कि इस तरीके से होगा, कम भी हो सकता है। अब आते हैं रिकरेंस पे। रिकरेंस पे कैसा हुआ, आपके पास ये मेन फंक्शन है, इसमें हमने क्या ए करके ए क्या है, एक हमने एरे बना दिया। अब इसमें क्या हुआ कि हमने एक फॉर का लूप लिया और यहाँ पर एक असाइनमेंट कर दिया और एक यहाँ पर रिकरेंस या रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दिया। रिकर्सिव फंक्शन में हमने एक फॉर का लूप लगाया, असाइनमेंट किया और यहां पर क्या किया, इफ लगा के आर ग्रेटर देन एन, कोई आर एल और डी हमारे पास तीन इंटीजर है, दो बार ये एफ कॉल कर लिए। एक बार एफ जब यहां से कॉल हुआ तो ये दो बार एफ को कॉल करेगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एल आर और डी तीन टर्म्स आ गए इसमें। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें ध्यान से देखिए डी का तो कोई रोल ही नहीं है। डी दिख रहा है आपको यहीं पे, डी प्लस जोड़ रहा है यहां पर डी का, मतलब इस फॉर के अंदर या इफ के अंदर आपको डी नहीं दिख रहा है। असली हमारा मुद्दा तो इसी से है, जो फॉर और लूप लूपिंग कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, डी आई नहीं तो उसको तो भूल ही जाते हैं। हाँ ये चल रहा है फॉर का लूप एल से आर तक, कहां तक चल रहा है एल से आर, यानी कि एल माइनस आर तक चलेगा, एल माइनस आर टाइम्स चलेगा, हम इसको के मान लेते हैं। तो फॉर लूप कितने बार चलेगा, एल माइनस आर को के मान लेते हैं। तो ये फॉर का लूप चलेगा थीटा के टाइम्स या ऑर्डर ऑफ के टाइम्स चलेगा। और इसके बारे में बात कर रहे हैं हम अभी, है बाहर वाले के बारे में, मेन के बारे में भी बात करते हैं। और ये कितने बार चलेगा, मान लीजिए कि R और L ना, R और L, R से L तक K है, तो क्योंकि दो F है तो ये K पूरा था, तो ये K by 2 और ये K by 2, दो बार कॉल हो रहे ना, ये K by 2 ये K by 2, तो किल में मिला के कितना हो गया, K by 2 plus K by 2 इसका हो गया, K by 2 plus K by 2 इसका हो गया, और इस फॉर का थीटा के हो गया। इस फॉर का क्योंकि ये के टाइम चलेगा, एल से आर तक जा रहा है ये, और यहां पर आपका अगर ये के टाइम जा रहा है आर और एल, तो के बाई टू, के बाई टू, तो टी के बाई टू प्लस टी के बाई टू थीटा के, ये आपका फाइनल आपका रिकरेंस रिलेशनशिप हो गया। तो थीटा के प्लस टू के बाई टू, तो ये जो आपने रिकरेंस रिलेशनशिप बनानी है ना, बस आपको यही बनाना है। आज की जो असली बात है, असली मुद्दा है, वो केवल रिकरेंस रिलेशनशिप बना लेंगे, आप सब समझ जाएंगे। तो आप फिर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सबकी।